राजधानी में स्कूल खोलने को लेकर छात्रों के साथ साथ शिक्षकों भी सहमत हैं, क्योंकि छात्रों का मानना है कि पिछले 2 सालों में उनकी पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित रही है। ऑनलाइन क्लासेस हो, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस के मुकाबले इतनी तसल्ली नहीं दे पाती, और इसी वजह से स्कूल जितनी जल्दी खुल जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। एक बात जो छात्रों और शिक्षकों से बातचीत के दौरान उभर कर आई है वह यह कि फिलहाल दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण और ओमिक्रॉन को लेकर हालात बने हुए हैं, अभी कोई बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है। इसीलिए बड़ी कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल को फौरन खोल देना चाहिए। स्कूल जो है दिल्ली में 20 दिसंबर के बाद खोलने की बात करी जा रही थी, मगर ओमिक्रॉन आने के कारण जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी मतलब स्ट्रिक्टनेस वो कर रही है कि पॉल्यूशन भी है और ओमिक्रॉन भी है, तो उसके कारण बच्चे काफ़ी ऑनलाइन क्लास ले लेकर भी थोड़े बहुत स्ट्रेस में आ चुके हैं। मगर फिर भी हम ये चाहते हैं कि बड़ी क्लासों के स्कूल खोल दिए जाएँ और छोटे बच्चों के साथ अभी ऑनलाइन ही चलें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी इतनी बुरी नहीं है, हमारे टॉपिक्स जो हैं क्लियर हो रहे हैं उसके लिए। मुझे दिल्ली में जैसे कि बोला जा रहा है कि 20 दिसंबर के बाद स्कूल खुलने की अपेक्षा की जा रही है, और मुझे लगता है कि स्कूल खुलने भी चाहिए, क्योंकि जो ये नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ये इतना घातक नहीं है, और जो पेरेंट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि खुलने चाहिए, क्योंकि बहुत 1-2 साल हो चुके हैं आई थिंक कि जो स्कूल हैं बच्चे घर से ही ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, और ऑनलाइन से ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव जो पढ़ाई है वो ऑफलाइन में ही ऑब्वियसली होती है, तो ऑनलाइन से ज़्यादा जो ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है तो ऑफलाइन में ही स्कूल खुलने चाहिए। अब दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए जैसे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और अभी बोला गया है कि 20 दिसंबर के बाद स्कूल खुलेंगे, और अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन ज़्यादातर ऑफलाइन में अच्छा लगता है, और ऑनलाइन में हमारी आंखों पे भी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, और काफ़ी पेरेंट्स हैं जो अवेलेबल नहीं करा पाते फ़ोन लैपटॉप्स ये सब, तो इसलिए स्कूल खुलने चाहिए। पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि प्राइमरी क्लास के स्कूल 20 दिसंबर के बाद से खुल सकते हैं, और ज़्यादातर कहा जा रहा है कि बैठक हुई थी सर्दियों के छुट्टियों के बाद से स्कूल खुल सकते हैं, और ये नई वेव आई है ओमिक्रॉन, इसकी वजह से स्कूल बंद है, और पोल्यूशन की वजह से इसके कारण गवर्नमेंट दिल्ली की गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कर रखे हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, जो समझदार हैं, जो कि इस चीज़ को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं सेफ्टी रूल्स को, उन्हें ज़रूर उनकी क्लासेस को हम यही कहेंगे कि उनको खोला जाए स्कूल। दिल्ली गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं आई मस्ट अप्रिशिएट दिल्ली गवर्नमेंट, सो मैनी न्यू प्रोग्राम्स हैज बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, इवन दो स्कूल्स वर क्लोज्ड, बट यू आर सरप्राइज टू नो दैट देर आर 2 or 3 प्रोग्राम्स लाइक देश के मेंटर प्रोग्राम एंड लाइक देशभक्ति करिकुलम, सो मैनी न्यू प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों ही पूरी तरह से रेडी हैं। पहले हमने जो कोरोना वायरस देखा था उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन थी कि हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा रेडी नहीं थी, फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत हद तक उसको काबू किया है, और आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अच्छा काम कर रही हैं। और ओमिक्रॉन, जहाँ तक ओमिक्रॉन वायरस की बात है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने कितनी बड़ी तैयारी कर रखी है, देखिए सभी इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.